हे वत्स, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से अति प्रसन्न हूं, अतः जो चाहो वो वर मांग लो। प्रभु, आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, जिससे मेरी कभी मृत्यु ना हो सके। वत्स, इस सृष्टि का नियम है, जो उत्पन्न होता है उसका अंत होना निश्चित है, अतः आप कोई और वर मांग लो। प्रभु, फिर आप मुझे 1000 कवच कुंडल प्रदान करें और मेरे एक कवच को वो ही तोड़ सके जो 10,000 वर्ष तपस्या करके अपार शक्ति का मालिक हो। तथास्तु, हम तुम्हें ये कवच प्रदान करते हैं। अपनी तपस्या बंद कर, वरना मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अरे, ये तो सुनता ही नहीं, लगता है इसका अंत आ ही गया है। अरे, देखता क्या है, मार मिटाई से। लगता है अब ये मर गया। चलो, और कौन तपस्वी है, उसे भी मार गिराओ। चलो।
प्रभु। सहस्त्र कवच भारी संकट बनकर हमारे सिर पर मंडरा रहा है। शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। जब सतयुग में ऋषि मुनि और देवताओं का ये हाल है, तो कलयुग में क्या होगा? अब मुझे ऐसा उपाय करना होगा कि आने वाले युगों युगों तक प्राणियों का उद्धार हो। सहस्त्र कवच से भी आप लोगों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी रक्षा हेतु मैं हर संभव प्रयास करूँगा। तब तक आप हमारे बैकुंठ धाम में ही रहें, यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। प्रभु, ये बालक ना जाने किसका होगा जो अपनी माँ के बिना व्याकुलता से रो रहा है। जाने कौन आपके गणों में से इस बालक को उठा के ले आया है। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो उस बालक को मैं ले आऊं। रहने दो पार्वती, जिसका बालक होगा वो स्वयं आकर उसे ले जाएगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करती हो? नहीं प्रभु, मैं भी माँ हूँ और माँ होके भला इस बच्चे का तो कैसे देख पाऊंगी। मैं तो इस बालक को लेकर अवश्य ही आऊंगी प्रभु। आप मुझे आज्ञा दे दे प्रभु। ठीक है, तुम नहीं मानती तो ले आओ। Yeah.
देखो गौरा, तुम इस बालक को अपनी कुटिया में रख तो रही हो, पर बाद में पछताना नहीं। इसमें पछताने की क्या बात है प्रभु, यह तो अबोध बालक है, इसे अपने पास रखने में हर्ज ही क्या है। अच्छा, अब स्नान ध्यान को देर हो रही है, अगर तुम्हारा ये बालक सो गया हो तो स्नान ध्यान करने चलें। हाँ हाँ चलिए नाथ, बालक तो गहरी नींद में सो रहा है। हे माता, जन कल्याण के लिए मुझे ये स्थान चाहिए, अगर आप दोनों मुझे ये स्थान दे दें तो जन कल्याण का मेरा प्रयोजन सफल हो जाएगा। हे प्रभु, आप तो मेरे आराध्य देव हैं, जन कल्याण की खातिर आप अगर ये स्थान मांग रहे हैं तो इससे अच्छी हर्ष की बात और क्या हो सकती है। हम दोनों कंदमादन पर्वत के पीछे अपना वास करेंगे। आपका वो स्थान केदारखंड के नाम से प्रसिद्ध होगा, केदारनाथ के नाम से सदा सदा पूजा जाएगा।
देवऋषि नारद जी, ये व्याकुलता की ही तो बात है। देवऋषि जी देखो ना, श्री नारायण के बिना शेष चैया खाली पड़ी है और नारायण जी का कहीं पता नहीं है। हे देवऋषि, आप तो नारायण के प्रिय भक्त हैं, आप तो जानते ही होंगे कि श्री नारायण इस समय कहाँ हैं, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। नारायण नारायण, माता श्री, नारायण इस समय हिमालय के केदार खंड में भू वैकुंठ धाम में जन कल्याण के लिए आत्मचिंतन में लीन है। अब तो श्री नारायण के दर्शन आपको सिर्फ भू वैकुंठ धाम में ही हो सकते हैं। माते मैं चला। नारायण नारायण नारायण। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं और मैं उनकी ही अर्धांगिनी हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। इसलिए प्रभु मुझे सदैव अपनी शरण में रखना, कभी मुझे विमुख ना होने देना, ताकि इसी प्रकार मैं आपकी सेवा सदा करती रहूँ। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हे देवी, तुमने बेरी का वृक्ष बनकर मेरी सदैव ही पूजा की। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक इस स्थान पर जब तक सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और आकाश रहेंगे, यहाँ मेरा स्थान बद्री नारायण के नाम से विख्यात होगा। मेरे नाम से पहले जो भक्त आपका नाम यानी लक्ष्मी नारायण के नाम से मुझे पुकारेगा, उसके सारे कार्य पूर्ण होंगे। Oh,
प्रभु, मुझे आपके जैसे ही पुत्र चाहिए। माता, तेरे एक नहीं दो पुत्र होंगे, नर और नारायण, जो तपस्या करके संपूर्ण जगत का कल्याण करेंगे और सनातन धर्म की स्थापना करके भारतखंड के इष्ट रूप में विख्यात होंगे। हे प्रभु, आपकी वाणी सुनकर मैं धन्य हो गई। जय श्री बद्री नारायण की। तपस्या कौन कर रहा है जिससे हमारा सिंहासन हिला जा रहा है? महाराज, बद्रिका आश्रम में अलकनंदा नदी के इधर उधर दो पर्वतों पर अलग अलग दो बालक बैठकर घोर तपस्या कर रहे हैं। कहीं ये अपने तप के बल से आपका सिंहासन ना छीन ले महाराज, क्योंकि अलकनंदा नदी के किनारे बैठे हैं ये दोनों। वरुण, पवन, जाओ, बारिश और आंधी तूफान से उन बालकों का तप भंग कर दो। जिस तरह हो सके उनका तप भंग होना ही चाहिए। सुंदर सुंदर अप्सराएं ले जाओ और उन्हें मोहित करो, मगर इससे पहले मैं वहां जाकर देखता हूं। कुछ
हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपकी तपस्या भंग की है, परंतु इसमें हमारा तनिक भी दोष नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज, आपके तपोबल का तेज हमसे सहा नहीं जाता। आप लोग डरे नहीं, आनंद से भरे इस आश्रम में पधारें। कौन सुंदरी है ये जिसके तेज से सारा भद्रिका आश्रम प्रकाशमान हो गया? मैंने आप लोगों को क्षमा किया, आप लोग मेरे स्थान पर आए हो, अतः जो चाहो वर मांग लो। नारायण जी, आप बड़े दयालु हैं। आपने हमें द्वापर युग में कृष्ण रूप में अपनाने का वचन देकर हम 16,000 अप्सराओं को धन्य कर दिया। जो मेरे इस स्थान पर आता है उसे मैं कभी निराश नहीं लौटाता। अब आप आनंद पूर्वक स्वर्ग में जाओ और मेरी ओर से इस उर्वशी को, देवराज इंद्र को उपहार में दे देना। मैं द्वापर में अवश्य ही श्री कृष्ण के अवतार रूप में आप सबका उद्धार करूंगा। जय हो बद्रीनारायण भगवान की जय हो। Just
अरे ये क्या, जब नारायण युद्ध करता है तो नर तप करने लगता है, जब नर युद्ध करता है तो नारायण तप करने लगता है। ये दैत्यराज, इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही तप स्थली है जहाँ एक दिन तप करने से 10,000 वर्ष का फल प्राप्त होता है। सूर्य देव के वरदान के अनुसार एक कवच आपका वही तोड़ सकता है जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करे। महाराज, धीरे धीरे नर नारायण ने आपके सारे कवच तोड़ डाले, अब तक आपके 999 कवच टूट चुके हैं महाराज। क्या क्या मेरा बस एक ही कवच बचा है? मेरा यहाँ से अब भाग जाना ही उचित है। सूर्यदेव, सहस्त्रा कवच एक अत्याचारी दानव है, इसका वध करना जरूरी है, परंतु यह तुम्हारी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना देवों का परम कर्तव्य है, परंतु तुम इस समय धर्म का पालन करो और द्वापर में कुंती के आह्वान पर इस सहस्त्रा कवच को कर्ण के रूप में उसकी गोद में सौंप देना। उसी समय मेरा कृष्ण अवतार होगा और नर अर्जुन होगा, इसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों से होगी और मैं नारायण अर्जुन का सारथी बनकर उसके साथ रहूंगा। अब मैं बद्री का आश्रम जाता हूँ। जय श्री नमो नारायण वासुदेवाय हरि। I'm not afraid of the dark.
हे देवताओं, कुछ समय बाद कलयुग आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ साक्षात रूप में नहीं रह सकता। समय के अनुसार मेरे 18 अवतार हो चुके हैं। आप लोग नारद शिला के नीचे नारद कुंड से मेरी मूर्ति निकाल कर मेरी स्थापना करें। उस मूर्ति के जो भी दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। जो इस धाम पर आएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। जय हो श्री नर नारायण भगवान की। प्रभु, पांडव केदारनाथ आकर फिर कहां गए? पांचों पांडव केदारनाथ से बद्रीनाथ आए, यहां मेरे मूर्ति स्वरूप के दर्शन करके यहीं से स्वर्ग लोक की ओर चले गए। अच्छा प्रभु, बद्री धाम का नाम बद्री विशाल कैसे पड़ा? यह एक सूर्यवंशी राजा विशाल की कथा है। हे प्रभु, हम ये कथा सुनाइए। Let's go.
राजन, तुम भूल कर रहे हो, यहाँ आकर लौटना नहीं होता, इसलिए राज्य की इच्छा छोड़ो और यहीं तपस्या करो। नहीं भगवान, नहीं, मेरी इच्छा अभी राज्य करने की है, इसलिए आप मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। हे राजन, राज्य तो तुमको मिलना ही है, पर यहाँ आकर तुमने बड़े श्रद्धा भाव से हमारी आराधना की है, इसलिए हमारा यह स्थान आपके नाम से ही विख्यात होगा। हमारे नाम के साथ भक्तजन आपका नाम भी लेंगे। आज से स्थान का नाम बद्री विशाल होगा। जो भक्त हमारे नाम के साथ तुम्हारा नाम लेंगे, उनको मनवांछित फल प्राप्त होगा। हे नारद जी, आप तो समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं, आप हमें बताएं कि श्री बद्री विशाल की पूजा पाठ का शुभ कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हे ऋषिवर, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए चारों दिशाओं में चारों धामों की स्थापना, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए श्री जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम धाम और बद्रीनाथ धाम, इन स्थानों की पूजा के लिए अपने चार शिष्यों को स्थान दिया। श्री बद्री धाम में केरल के नमोद्री परिवार से ही भगवान बद्री विशाल के पुजारी आते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, इन्हें रावल जी कहते हैं। 6 महीने मानव पूजा रावल जी करते हैं, 6 महीने देवतागण पूजा करते हैं। Bye.
हे अग्निदेव, हम तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हैं। अब तुम जो चाहो वर मांग लो। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मुझे सर्वभक्षी होने के श्राप से मुक्त कीजिए प्रभु। हे वत्स, तुम्हारा सर्वभक्षी होने का श्राप तो इस क्षेत्र में आने और दर्शन मात्र से ही दूर हो गया है, किंतु अब तुम यहीं वास करो और यहाँ आने वाले यात्रियों को पाप मुक्त करो और हमारा आशीर्वाद प्राप्त करो। हे पुत्र, जब मैं बद्री का आश्रम आया तो मैं ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया तथा वो कपाल भी मेरे हाथ से छूट गया और वो अलकनंदा के समीप जा गिरा। तब से मैं भी यहाँ वास करने लगा। हे पिताश्री, आदि केदार का महात्म्य क्या है? पुत्र, मैं बद्री क्षेत्र में अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ विद्यमान हूँ। यहाँ मेरे विग्रहलिंग रूप में 15 कलाएं विद्यमान हैं। श्री केदारलिंग के दर्शन करने से तथा पूजा करने से कोटि कोटि जन्मों के पापों से मानव मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन से पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है। ऐसा ना करने पर बद्रीनाथ के दर्शन पूर्ण नहीं होते।
अच्छा ऋषिवर, नारद शिला के दर्शन के अलावा और कौन से तीर्थ स्थल हैं बद्री धाम में? बद्री का आश्रम में पंच शिलाएं मुख्य हैं, नारद शिला, नरसिंह शिला, वाराही शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला। इन पांचों शिलाओं के अलावा पांच प्रयाग भी हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला देव प्रयाग, दूसरा रुद्र प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा नंद प्रयाग, पांचवा विष्णु प्रयाग। के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन सभी प्रयागों पर भगवान विष्णु जी की अपार कृपा है और जितनी पावन शिलाएं यहाँ पर हैं सभी को भगवान बद्री विशाल का वरदान प्राप्त है। यहाँ के दर्शन करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है।